नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू आज नवा लेक्चर में। तो मित्रों आज आप जोवाना छीए पावर जनरेशन ने लगता प्रश्नों जे आपने इलेक्ट्रिकल आसिस्टंट विद्युत सहायक की परीक्षा में उपयोगी थशे। आपणे पावर जनरेशन प्रश्नों जोवाना छीए एटले आजनो लेक्चर छे ते स्टार्ट थी लईने एंड सुधी सरखी रीते जोई लेजो, केम के आजे आपणे छे कम से कम 30 जेटला प्रश्नों जोवाना छीए आज, एटले बधा प्रश्नों छे ते ध्यानथी जोई लेजो। अने जे मित्रों आपणी यूट्यूब चेनल पर पहली वखत आव्या छे अने चेनल ने सब्सक्राइब नथी करेली ते लोको चेनल ने सब्सक्राइब जरूर करी देजो, केम के आवा अवनवा ज विडियोज अने लेक्चर तमारा माटे छे ते दररोज आवता रहे छे। हवे आपणे छे दररोज 8:30 वागे तमारा माटे छे ते लेक्चर लावीए छीए, तेमां पण छे हवे दररोज जॉइन थई जजो, खास करी अने जेटको अने यूजीवीसीएल वाळा, केम के हवे बन्नेने छे ते एग्जामनी डेट आवशे त्यारबाद तेनी लेखित एग्जाम पण लेवाई जशे। यूजीवीसीएल ने जोईए तो जेना पोल टेस्ट लेवाना हता तेनुं छे ते हवे रिजल्ट पण जाहेर थई गयुं छे, एटले तेने तो हवे एग्जामनी डेट आवे त्यारबाद तेनी एग्जाम लेवाई जशे। हवे टूंक ज समयमां छे ते ऑगस्टना एंडमां पण कदाच आवी सके छे, एटले तमारी तैयारी छे ते मित्रों सरखी रीते चालू करी देजो। खास करीने जेटको अने यूजीवीसीएल वाळाने खास कहूं छुं, डीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल अने पीजीवीसीएल आ लोको पर छे ते तैयारी धीमे धीमे छे ते चालू राखजो। जो अत्यारथी जो तमे तैयारी चालू करी देशो तो ज तमारे छे ते भेगुं थशे, नहीतर पछी छे ते प्रॉब्लम थशे, केम के मित्रों हवे छे ते पेपर छे ते पहेला जेवा सिम्पल आवता नथी। घणा बधा पेपर होय छे ते हार्ड आवे छे, तमे जोयुं पण हशे एमजीवीसीएल नुं कयुं पेपर हतुं ते घणुं बधुं हार्ड हतुं, एटला माटे छे ते हवे तैयारी छे ते अत्यारथी धीमे धीमे चालू करी देवी जोईए। तमे आपणी एप्लिकेशननी अंदर अत्यारथी जो तैयारी चालू करी होय तो पण तमे करी शको छो। दररोज तमने एवुं लागे तो भले 100 प्रश्न वाँचो पण वाँचवानुं छे ते कंटीन्यू चालू राखो। जे मित्रों एप्रेंटिस करे छे ते लोकोने पण, केम के एप्रेंटिस पूरुं थशे त्यारबाद तमारे डायरेक्ट एग्जाम आवशे एटले कदाच टाइम तमने ना मळे, तो अत्यारथी तमे पण धीमे धीमे छे ते तैयारी चालू करी देवानी। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन नामनी आपणी एप्लिकेशन छे, बधा लोकोने खबर ज छे, तेनी लिंक आपणे डिस्क्रिप्शनमां आपेली छे, तेनी अंदर स्पेशल आपणे तैयारी माटे ते एप्लिकेशन बनावेली छे। जे मित्रोने तैयारी करवी छे अंदर थी तैयारी करी सके छे, लिंक तमने डिस्क्रिप्शन में आपेली छे। तो हवे आपड़ा छे ते पावर जनरेशन ने लगता प्रश्नों छे ते स्टार्ट करीशुं। मित्रों बधा प्रश्न छे ते एक पछी एक सरखी रीते जोई लेजो, जो समझ ना पड़े तो तमे कमेंट करीने पण कही शको छो। त्यारबाद आपणे WhatsApp नंबर पण आपेलो छे, तेनी अंदर पण तमे मैसेज करी शको छो, ग्रुप्स पण छे तेनी अंदर पण जॉइन थई जजो। तो मित्रों आजनो आपणो पहेलो प्रश्न छे के हाइड्रो पावर स्टेशन नो वार्षिक डेप्रिसिएशन एटले के घसारो, डेप्रिसिएशन एटले के घटारो के घसारो केटलो होय छे? हाइड्रो पावर स्टेशन नो वार्षिक घसारो केटलो होय छे? ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए 20% थी 25%, ऑप्शन बी 25% थी 30%, ऑप्शन सी 0.5% थी 1.5%, के ऑप्शन डी 8% थी 19%। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर छे ते साथे साथे कमेंट करता जशे, डेली नी जेम आपणे छे ते ए बी सी डी एवी रीते तमे छे के कमेंट करी शको छो। तो मित्रों आनी अंदर आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन सी, 0.5 थी 1.5% जेटलो घसारो थाय छे। हाइड्रो पावर स्टेशन में वार्षिक जे घसारो छे ते 0.5% थी 1.5% जेटलो छे ते घसारो थाय छे। तेना पछीनो हवे आपणो आगळनो प्रश्न जोईशुं, हाइड्रो पावर प्लांट माटे जग्यानी पसंदगी माटे नीचेना पैकी कयुं परिबळ अगत्यनुं नथी? प्रश्न सरखी रीते जोई लेजो के हाइड्रो पावर प्लांट माटे जग्यानी पसंदगी माटे नीचेना पैकी कयुं परिबळ अगत्यनुं नथी कीधुं छे? सी ए नथी कीधुं, नथी कीधुं छे, तो तेना ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए पाणीनी प्राप्तता, त्यारबाद ऑप्शन बी जोईए पथराळ जमीन, ऑप्शन सी विशाळ जळ प्रभावित क्षेत्र, त्यारबाद ऑप्शन डी कापाळ जमीन। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर छे ते कमेंट करशे कि हाइड्रो पावर प्लांट माटे जग्यानी पसंदगी माटे नीचेना पैकी कयुं परिबळ अगत्यनुं नथी? तो तेनी अंदर मित्रों आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन डी कापाळ जमीन। हाइड्रो पावर प्लांट माटे छे ते जग्यानी ज्यारे पसंदगी करता होय छे त्यारे कापाळ जमीन छे ते अगत्यनी नथी, पण आ उपरना त्रण छे ते अगत्यना छे के पाणीनी प्राप्तता, त्यारबाद पथराळ जमीन अने विशाळ जळ प्रभावित क्षेत्र, आ तमाम छे ते अगत्यना छे, कापाळ जमीन छे ते अगत्यनुं नथी। हवे तेना पछी आगळनो प्रश्न जोईए, न्यूक्लियर फिशन कया पात्र में करवामां आवे छे? न्यूक्लियर फिशन कया पात्र में करवामां आवे छे? ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए रिएक्टर, ऑप्शन बी प्रिसिपिटेटर, ऑप्शन सी कंजर्वेटर, के ऑप्शन डी रेडिएटर। न्यूक्लियर फीचन कया पात्र में करवामां आवे छे। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर छे ते कमेंट करशे। तो तेनी अंदर आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन ए रिएक्टर। न्यूक्लियर फीचन छे ते रिएक्टर पात्र में करवामां आवे छे। जे मित्रों ने नथी खबर ते ध्यानथी जोई लेजो। तेना पछी हवे आगळनो प्रश्न जोईए। प्रश्न है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या एकम में मापवामां आवे छे। न्यूक्लियर एनर्जी प्रश्न सरखी रीते जोई लेजो। न्यूक्लियर एनर्जी क्या एकम में मापवामां आवे छे। तेना ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए MW, ऑप्शन बी MV, ऑप्शन सी MEV के ऑप्शन डी KWHR। न्यूक्लियर एनर्जी क्या एकम में मापवामां आवे छे। तो तेनी अंदर मित्रों आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन सी MEV के न्यूक्लियर एनर्जी छे ते MEV एकम में मापवामां आवे छे। तेना पछीनो हवे आगळनो प्रश्न जोईए। प्रश्न छे कि 1 kg युरेनियमनी सामे तेटली ज एनर्जी उत्पन्न करवा माटे केटला टन कोळसानी जरूर पड़े छे। 1 kg युरेनियमनी सामे तेटली ज एनर्जी उत्पन्न करवा माटे केटला टन कोळसानी जरूर पड़े छे। ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए 284 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2840 किलोग्राम, ऑप्शन सी 4500 टन के ऑप्शन डी 2,84,000 टन। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर है तो कमेंट करशे। मित्रों आवा प्रश्न तमने आवड़वा जोईए केम के एग्जाम में आ रीतना प्रश्नों पूछी शके छे। पावर जनरेशन ने लगता प्रश्नों घणा बधा एग्जाम में आवता होय छे। खास करीने UGVCL अने जेटको वाळा बधा प्रश्नों ध्यानथी जोई लेजो। 1 kg युरेनियमनी सामे तेटली ज एनर्जी उत्पन्न करवा माटे केटला टन कोळसानी जरूर पड़े छे। तो तेनी अंदर मित्रों आपणो साचो जवाब रहेशे 4500 टन। 1 kg युरेनियमनी सामे तेटली ज एनर्जी उत्पन्न करवा माटे आपणे छे ते 4500 टन कोळसानी जरूर पड़े छे। तेना पछीनो हवे आगळनो प्रश्न जोईए। नीचेना पैकी कयुं कण सौथी ओछुं वजन धरावे छे। आमांथी कयुं कण छे ते सौथी ओछुं वजन धरावे छे। ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन के ऑप्शन डी न्यूक्लियस। नीचेना पैकी कयुं कण सौथी ओछुं वजन धरावे छे। आमांथी कया कणनुं वजन छे ते सौथी ओछुं होय छे। ABCD एवी रीते मित्रों कमेंट करी सको छो। घणा बधा मित्रों छे ते आपणा विडियो जोवे छे ते जेने जवाब खबर होय ते कमेंट करशे। तो तेनी अंदर मित्रों आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कणनु वजन छे ते सौथी ओछुं होय छे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अने न्यूक्लियसनी समानतामां जोईए तो इलेक्ट्रॉननुं जे वजन होय छे ते सौथी ओछुं होय छे। तेना पछी हवे आगळनो प्रश्न जोईए। नीचेना पैकी कयुं तत्व सौथी वधारे वजन धरावे छे। आगळना प्रश्नमां आपणे जोयुं के सौथी ओछुं वजन कोनुं। तो आ प्रश्नमां कीधुं छे के सौथी वधारे वजन कोण धरावे छे, क्यू तत्व धरावे छे। ऑप्शन से ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन के ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तेनी अंदरथी इलेक्ट्रॉन तो निकली जशे केम के आगळना प्रश्नमां आपणे जोयुं के ते तो सौथी ओछुं वजन धरावे छे, पण आया प्रश्न के छे सौथी वधारे वजन क्यू तत्व धरावे छे। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अने न्यूक्लियस आ त्रणमांथी एक आवशे। जे मित्रोने जवाब खबर छे ते कमेंट करशे। तो तेनी अंदर मित्रों आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन डी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस छे तेनुं वजन सौथी वधारे होय छे अने सौथी ओछुं कीधुं होय तो इलेक्ट्रॉन अने सौथी वधारे कीधुं होय तो न्यूक्लियस। प्रश्न आवी रीते पूछाय तो ध्यानथी छे ते जोई लेजो। हवे तेना पछी आपणो आगळनो प्रश्न जोईए। प्रश्न है कि न्यूक्लियस रिएक्शन चेन प्रक्रिया जो कंट्रोल न थी सके तो शू थे। न्यूक्लियस रिएक्शन चेन होनी प्रक्रिया जो कंट्रोल न थाय तो शू थाय से। ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए उष्मा उत्पन्न न थाय, ऑप्शन बी धड़ाको, ऑप्शन सी ओसी उष्मा उत्पन्न थाय से के ऑप्शन डी एक पण नहीं। न्यूक्लियस रिएक्शन चेन प्रक्रिया जो कंट्रोल न थी सके तो शू थशे। तो तेनी अंदर मित्रों आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन बी धड़ाको थशे। न्यूक्लियस रिएक्शन नी चेन प्रक्रिया ने जो कंट्रोल न थई सके तो तेनी अंदर छे ते धड़ाको थशे। हवे तेना पछीनो आपणो आगळनो प्रश्न जोईए। प्रश्न छे के न्यूक्लियस रिएक्टर में कोरनुं कार्य खाली जग्या तरीकेनुं से न्यूक्लियस रिएक्टर में कोरनु कार्य खाली जग्या तरीके से ऑप्शन जोईए ऑप्शन ए न्यूक्लियर बळतण दाखला तरीके एल्युमिनियम कोटेड यूरेनियम ऑप्शन बी न्यूक्लियर रेडिएशन दाखला तरीके आल्फा किरणों ऑप्शन सी न्यूक्लियर कूलंट दाखला तरीके हेवी वॉटर और ऑप्शन डी कंट्रोल रोड दाखला तरीके बोरोन के कैडमियम। न्यूक्लियर रिएक्टर में कोरनु कार्य खाली जग्या तरीके होय छे खाली जग्या तरीके होय छे। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर छे ते कमेंट करशे। तो तेनी अंदर मित्रों आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन ए न्यूक्लियर बळतण दाखला तरीके एल्युमिनियम कोटेड यूरेनियम। न्यूक्लियर रिएक्टर में कोरनु कारण छे ते न्यूक्लियर बळतण होय छे। तेना पछीनो हवे आगळनो प्रश्न जोईशुं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर नु कार्य शुं होय छे। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर नु कार्य शुं होय छे ऑप्शन जोईए ऑप्शन ए विखंडन प्रक्रिया ने परिणामे उत्पन्न थता फास्ट न्यूट्रोल ने धीमा करवानो ऑप्शन बी विखंडन प्रक्रिया ने परिणामे उत्पन्न थती गर्मी ने शोषी लेवानो ऑप्शन सी चेन रिएक्शन की प्रक्रिया चालू करवानो के ऑप्शन डी चेन रिएक्शन की प्रक्रिया अनंत बनाववानु। चलो जे मित्रों जो खबर छे ते कमेंट करशे। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर नु कार्य तो तेनी अंदर आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन ए विखंडन प्रक्रिया ने परिणामे उत्पन्न थता फास्ट न्यूट्रॉन ने धीमा करवानु न्यूक्लियर रिएक्टरनु छे ते मॉडरेटरनु कार्य होय छे। तेना पछी हवे आगळनो प्रश्न जोईए। प्रश्न छे के न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोडनु कार्य शुं होय छे। जे न्यूक्लियर रिएक्टर में मित्रों कंट्रोल रोड होय छे तेनु कार्य शुं होय छे। प्रश्न मित्रों समझीने जोई लेजो केम के थोड़ा कन्फ्यूजन करे तेवा प्रश्न छे पण आ एवुं लागे तो एक बे वखत छे ते रिपीट करी लो अने अहींया पण जोई लो अने एप्लिकेशन नी अंदर जाई अने टेस्ट पण आपी दो 2-3 वार एटले तमने छे ते आमां कन्फ्यूजन दूर थई जशे। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोडनु कार्य शुं होय छे ऑप्शन जोईए ऑप्शन ए चेन रिएक्शन ने अनंत बनाववानुं ऑप्शन बी गर्मी ने शोषी लेवानुं ऑप्शन सी रिएक्टर नी बहार किरणोत्सर्गी कचरो फैलाय नहीं तेने कंट्रोल करवानुं अने ऑप्शन डी चेन रिएक्शन प्रक्रिया ने नियमन करवानुं। तो आनी अंदर आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन डी चेन रिएक्शन प्रक्रिया ने नियमन करवानुं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड नु कार्य छे ते चेन रिएक्शन प्रक्रिया ने नियमन करवानुं होय छे। हवे आगळनो प्रश्न जोईए आपणो। प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड तरीके शू वपराय छे। आगळ आपणे जोयुं के कंट्रोल रोड नु कार्य पण अहींया छे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड तरीके शू वपराय छे ऑप्शन जोईए ऑप्शन ए कैडमियम ऑप्शन बी बोरोन ऑप्शन सी ए अने बी बने के ऑप्शन डी हेवी वॉटर। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर छे ते कमेंट करशे। तो तेनी अंदर आपणो साचो जवाब आवशे ऑप्शन सी ए अने बी बने केडमियम अने बोरोन आ बने छे ते वपराय छे। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड तरीके केडमियम अने बोरोन आ बने छे ते वपराय छे। मित्रों प्रश्न छे ते थोड़ा कन्फ्यूजन करे एवा छे पण ध्यानथी जोई लेजो केम के अत्यारे जो आ बधा प्रश्नों तमने आवड़ी गया तो पछी नहीं भूलाय केम के पछी जो एग्जाम तमारी तारीख एकवार आई गई पछी तमे बधुं वांचवा बेसशो तो पछी याद नहीं रहे एटले अत्यारथी ज तमे सरखी रीते तैयारी चालू करी दो एटले तमने एम थतुं हशे के आ बधुं तो मने आवड़े छे पण ज्यारे एग्जाम आपवा जशो त्यारे साची खबर पड़शे के त्यां जशो तो अमुक प्रश्न तमने सिम्पल हशे ए ज आवडता हशे बाकीना प्रश्नों तमने एवुं लागशे के आ तो 12 थी पूछाई गया पण 12 थी क्यांयथी पूछातुं नथी बधुं आपणी बुक्सो होय छे त्यारबाद आपणो सिलेबस होय छे तेनी अंदरथी ज पूछातुं होय छे एटले एवुं तो तमारे मनमा नहीं राखवानुं के 12 थी पूछाय छे पण एवुं होय के आपणे सरखी रीते छे ते वांचेलुं नथी होतुं एटले तमने एवुं लागे के आ 12 थी पूछाई गयुं। प्रश्न आडावळा करीने पण वधारे पूछी लेता होय छे। धारो के आपणे MGVCL ना पेपर में जोईए तो घणा बधा प्रश्न छे ते कन्फ्यूजन करे एवा हता आडावळा प्रश्न करीने पूछी लीधा हता एटले बधा लोकोने एम थाय के आ तो बधुं 12 थी आवी गयुं पण एवुं होतुं नहीं बधु सिलेबस में आत हो तमने थोड़ू कन्फ्यूजन करे तेवी रीतना प्रश्नों ते बनावीने मूकता होय छे। एटला माटे आपणे ए रीते तैयारी करवानी के ते जे रीते प्रश्न पूछे छे। तेना पछी हवे आपणो आगळनो प्रश्न जोईशुं। न्यूक्लियर रिएक्टर में रिफ्लेक्टर तरीके शुं वपराय छे। न्यूक्लियर रिएक्टर में रिफ्लेक्टर तरीके शुं वपराय छे ऑप्शन जोईए ऑप्शन ए काचनुं आवरण ऑप्शन बी लोखंडनी प्लेटनु आवरण, ऑप्शन सी कार्डबोर्डनु आवरण के ऑप्शन डी पीवीसी प्लेटनु आवरण। न्यूक्लियर रिएक्टर में रिफ्लेक्टर तरीके शू वपराय छे? तो तेनी अंदर आपणो साचो जवाब आवशे ऑप्शन बी लोखंडनी प्लेटनु आवरण। न्यूक्लियर रिएक्टर में रिफ्लेक्टर तरीके मित्रों लोखंडनी प्लेटनु आवरण छे ते वपराय छे। जे मित्रों ने नहीं खबर ते जोई लेजो कि लोखंडनी प्लेटनु आवरण वपराय छे। तेना पछी हवे आगळनो प्रश्न जोईए। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रवेशता अने बहार निकलता कूलंटनु कार्य शुं छे? न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रवेशता अने बहार निकलता कूलंटनु कार्य शुं छे? ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन ने शोषी लेवानुं, ऑप्शन बी उत्पन्न थती गर्मी ने शोषी लई उपयोग में लेवानुं, ऑप्शन सी रिएक्टर में स्पेर पार्ट ने ठंडा राखवानुं के ऑप्शन डी रिएक्टर में कोर एटले के फ्यूअल ने ठंडो राखवानुं। तो तेनी अंदर आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन बी उत्पन्न थती गर्मी ने शोषी लई उपयोग में लेवानुं। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रवेशता अने बहार निकलता कूलंटनु कार्य छे ते उत्पन्न थती गर्मी ने शोषी लई उपयोग में लेवानुं होय छे। तेना पछीनो आपणो नेक्स्ट प्रश्न जोईए। आपणो प्रश्न छे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलंट तरीके शुं वपराय छे? न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलंट तरीके शुं वपराय छे? ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए पाणी, ऑप्शन बी हेवी वॉटर, ऑप्शन सी लिक्विड सोडियम के लिक्विड पोटेशियम, ऑप्शन डी आपेल तमाम। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर छे कमेंट करशे न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलंट तरीके शुं वपराय छे। तो तेनी अंदर आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन सी आपेला तमाम सॉरी ऑप्शन डी आपेला तमाम। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलंट तरीके पाणी, हेवी वॉटर अने लिक्विड सोडियम के लिक्विड पोटेशियम आ बधुं छे ते तेनी अंदर वपराय छे। हवे आगळनो प्रश्न जोईए। प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में शील्डनु कार्य शुं छे? न्यूक्लियर रिएक्टर में शील्डनु कार्य शुं छे? ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव रेडिएशन ने वधारवानुं, ऑप्शन बी आल्फा बीटा गामा किरणों ने शोषी लईने किरणों ने रिएक्टर बहार जता अटकाववाना, ऑप्शन सी कोर एटले के न्यूक्लियर फ्यूअल ने रक्षण करवानुं, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन ने एब्सोर्ब करवानुं। तो आनी अंदर आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन बी आल्फा बीटा गामा किरणों ने शोषी लईने किरणों ने रिएक्टरना बहार जता अटकाववाना। तेना पछीनो प्रश्न जोईए। न्यूक्लियर रिएक्टर में शील्ड तरीके शुं वपराय छे? न्यूक्लियर रिएक्टर में शील्ड तरीके शुं वपराय छे? बधा मित्रोने एम थतुं हशे के आ एक पछी एक आवा ज प्रश्न केम छे, पण मित्रों आ बधा आईएमपी प्रश्न छे एटला माटे आपणे लाए छीए। एवुं नथी के आ बधा प्रश्न आपणे एक्जाम में नहीं पूछाय तेम छतां लावीए छीए। आपणे जे आईएमपी प्रश्न होय छे ते ज आपणे मूकीए छीए, केम के आवा प्रश्नों तमने छे ते ओछा जोवा मळशे, तमे वांचवामां पण तमारे ओछा आवशे, पण अहींया आपणे एटला माटे लावीए छीए के बधानी पासे आ प्रश्न पहोंचे अने जो एक्जाम में तमने आवा प्रश्न पूछाय तो तमने याद रही जाए, एटला माटे आपणे आवा प्रश्न लावीए छीए। प्रश्न छे के न्यूक्लियर रिएक्टर में शील्ड तरीके शुं वपराय छे? ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए बोरोन युक्त मेटल शीट, ऑप्शन बी बोरोन युक्त सीमेंट कोंक्रीटनी दीवाल, ऑप्शन सी बोरोन युक्त सिलिकॉन रबरनी दीवाल के ऑप्शन डी बोरोन युक्त क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीननी दीवाल। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर है, जे मित्रों कदाच बुक में अथवा तो एप्लिकेशन अंदर थी वाँचेलू हे तो मित्रों ने आनो जवाब खबर हशे। आवा प्रश्नों तेनी अंदर आपणे मूकेला छे अने तमारे आवा प्रश्न जोवाशे तो अंदर तमने बधा ज प्रश्न मळी जशे। हूँ तमने वारंवार कहेतो होय छुं के आ बधा प्रश्न छे ते आपणी एप्लिकेशननी अंदर ज मूकेला छे, तेनी अंदरथी ज आपणे आ बधा छे ते विडियोज लावीए छीए। तो तेनी अंदर आपणो साचो जवाब आवशे ऑप्शन बी बोरोन युक्त सीमेंट कोंक्रीटनी दीवाल। न्यूक्लियर रिएक्टर में शील्ड तरीके छे ते बोरोन युक्त सीमेंट कोंक्रीटनी दीवाल छे ते वपराय छे। तेना पछीनो हवे आपणो नेक्स्ट प्रश्न जोईशुं। प्रश्न छे के न्यूक्लियर पावर स्टेशन में BWR अने PWR ए शेनो प्रकार छे? न्यूक्लियर पावर स्टेशन में BWR अने PWR ए शेनो प्रकार छे? ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए हीट एक्सपेंजर, ऑप्शन बी कंडेन्सर, ऑप्शन सी रिएक्टर के ऑप्शन डी टर्बो जनरेटर। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर छे ते कमेंट करशे। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में BWR अने PWR ए शेना प्रकार छे? તો તેની અંદર મિત્રો આપણો સાચો જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી રિએક્ટર। ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનમાં BWR અને PWR છે તે રિએક્ટરના પ્રકારો છે। जो एग्जाम में आ रीतना प्रश्न पूछाय तो तमारे कहेवानुं के रिएक्टरना प्रकारों से PWR अने BWR। तेना पछीनो नेक्स्ट प्रश्न जोईए। प्रश्न थोड़ोक मोटो छे, सरखी रीते जोई लेजो। न्यूक्लियर रिएक्टर मांथी आल्फा बीटा गामा अने न्यूट्रॉननुं लीकेज थई वातावरणमां भळे तो मानव सहित अन्य जीवसृष्टि पर कई असर थाय छे। हवे तेना ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए सजीवनुं मृत्यु थई शके छे। ऑप्शन बी ल्यूकेमिया कैंसर जेवा जीवलेण रोग थई शके छे। ऑप्शन सी नवी प्रजा खोड खापणवाळी जन्मे छे। ऑप्शन डी उपरोक्त तमाम। तो तेनी अंदर मित्रों आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन डी उपरोक्त तमाम। न्यूक्लियर रिएक्टरमांथी आल्फा बीटा गामा अने न्यूट्रॉननुं लीकेज थई वातावरणमां भळे तो मानव सहितना जे अन्य जीवसृष्टिना जीवनमां जे व्यक्तिओ अथवा तो जे जीव प्राणीओ छे तेमां आ तमाम से थई शके छे। एटले के सजीवनुं मृत्यु थई शके छे, ल्यूकेमिया कैंसर जेवा जीवलेण रोग थई शके छे अने नवी प्रजा खोट खापणवाळी जन्मी शके छे। आवा बधा रोगो छे ते थई शके छे। हवे तेना पछीनो आपणो प्रश्न छे के बे हळवा न्यूक्लियर संयोजाय छे त्यारे पुष्कळ मात्रा में एनर्जी रिलीज थाय छे। रासायणिक परिभाषा में तेने खाली जग्या कहे छे। प्रश्न सरखी रीते समझी लेजो मित्रों के बे हळवा न्यूक्लियर संयोजाय छे त्यारे पुष्कळ मात्रा में एनर्जी रिलीज थाय छे। रासायणिक परिभाषा में तेने खाली जग्या कहे छे। ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिशन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर मिक्सिंग के ऑप्शन डी न्यूक्लियर एडिंग। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर है तो कमेंट करशे ने नहीं खबर तो कई वांधो नहीं, आपणे जवाब आपीए छीए। तो तेनी अंदर आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन। बे हळवा न्यूक्लियर संयोजाय छे त्यारे पुष्कळ मात्रामां एनर्जी रिलीज थाय छे। आ रासायणिक परिभाषामां तेने आपणे न्यूक्लियर फ्यूजन कहेवामां आवे छे। तेना पछीनो हवे आपणो नेक्स्ट प्रश्न जोईए। प्रश्न छे के न्यूक्लियर रिएक्टरमां कई प्रक्रिया थाय छे। आपणे आज आ बधा प्रश्न जोया था, न्यूक्लियर रिएक्टरना मोस्ट ऑफ प्रश्न हता एटले आ बधा ध्यानथी जोई लेजो मित्रों। एक बे प्रश्न तमने एक्जाम में पूछाई शके छे एटले ध्यानथी सरखी रीते बधा प्रश्नों जोई लेजो। आ प्रश्न छे के न्यूक्लियर रिएक्टर में कई प्रक्रिया थाय छे। तेना ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए फ्यूजन एटले के संलयन, ऑप्शन बी फिशन एटले के विखंडन, ऑप्शन सी फ्यूजन अथवा फिशन बने प्रक्रिया के ऑप्शन डी एक पण नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कई प्रक्रिया थाय छे तो तेनी अंदर मित्रों आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन सी फ्यूजन अथवा फिशन बने प्रक्रिया थाय छे। न्यूक्लियर रिएक्टर में से फ्यूजन अथवा फिशन बने प्रक्रियाओं से थाय छे। तेना पछी हवे आपणो नेक्स्ट प्रश्न जोईए। आ प्रश्न मित्रों बधा मित्रों ने आवडवो जोईए। सिंपल। भारत में सौ प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या स्थापवामां आव्यो हतो? भारत में सौ प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट से कई जगह स्थापवामां आव्यो हतो? ऑप्शन जोईए। ऑप्शन ए काकरापार गुजरात, ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कल्पकम तमिलनाडु के ऑप्शन डी नरोरा उत्तर प्रदेश। चलो जे मित्रों ने जवाब खबर छे ते कमेंट करशे। जे मित्रों ने नथी खबर ते आ प्रश्न ध्यानथी जोई लेजो मित्रों। आईएमपी प्रश्न छे तो तेनी अंदर आपणो साचो जवाब रहेशे ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र। भारत में सौ प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट छे ते तारापुर महाराष्ट्र में स्थापवामां आव्यो हतो। आवो प्रश्न कोईपण एग्जाम में पूछाय तो ध्यान राखवानुं के सौ प्रथम आपणे जे न्यूक्लियर पावर प्लांट हतो ते महाराष्ट्रना तारापुर में छे ते स्थापवामां आव्यो हतो। तो मित्रों आजना आ प्रश्नों से आपड़ा अहीं पूरा थशे। आजनो लेक्चर अहीं पूरो थशे। आजनो लेक्चर तमने केवो लाग्यो कमेंट करी अने जरूर जणावजो। अने वच्चे आपणे एप्लिकेशननी वात करी हती तेनी अंदर जे मित्रोए कोर्स हजू सुधी नथी लीधो अने तैयारी चालू नथी करी ते अंदरथी कोर्स लई अने तैयारी चालू करी देजो मित्रों, केम के आईएमपी अंदर तमने बधु मळी जशे। आ तमे जे बधा प्रश्नो जोवो छो ते त्यांथी ज लेवामां आव्या छे ने आनी पीडीएफ फाइल अने टेस्ट सीरीज बने से तमने मळी जशे। जे मित्रों ने लेवानुं होय तेने लिंक आपणे छे ते डिस्क्रिप्शन में आपेली छे, त्यांथी छे ते लई शके छे। तो आजनो आ विडियो केवो लाग्यो कमेंट करीने जरूर जणावजो, अने जे मित्रोए चेनलने सब्सक्राइब नथी करेली ते सब्सक्राइब जरूर करी देजो। तो हवे मळीशुं कालना सेशन में। धन्यवाद।